यार आप लोगों ने वो वाले वीडियो देखे हैं जिसमें माँ बाप बच्चे को नींबू चुसाकर उसका रिएक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। यही वो बच्चे हैं जो बड़े होकर इन्हें वृद्धाश्रम में डाल देंगे, फिर उधर बैठे बैठे नींबू चूसना। मत करो इस वक्त, मत करो, इतना ही टाइम है तो हमारा शो खेल। वेलकम टू फेक और नॉट, और मैं हूं आपका होस्ट इंदर साहनी। रूल्स तो पता ही है ना आपको, अरे वही तीन सवाल, पहचानिए वो फेक है या नॉट फेक और जीत जाइए अमेजिंग प्राइजेस। और अगर गलत जवाब हो गया टेंशन नहीं लेनी आपने, आपने हमारा मैजिक इरेजर यूज करके उसको ठीक कर लेना, इतना ईजी तो है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तारा या स्टार सबसे ब्राइट चमकता है, उसकी आयु उतनी ही कम होती है, बताइए फेक या नॉट फेक। सुनने में तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर की टिप्पणी जैसे लग रही है, जो तारा सबसे तेज चमकता है उसकी उम्र कम होती है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के साथ किसी ने व्हाट्सएप पे जिंदगी का सार भी समझा दिया, ऐसा लग रहा है मेरे। उस दिशा में दिमाग दौड़ाइए, वैसे भी समय आ गया है सही जवाब को जानने। एंड द राइट आंसर इज नॉट फेक। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया है कि अंतरिक्ष में दिखने वाले सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे सबसे पहले सुपरनोवा एक्सप्लोजन के तहत मर जाते हैं। हालांकि ये स्टार्स सूर्य से ज्यादा ब्राइट और बड़े होते हैं, लेकिन इनकी आयु रिलेटिवली कम होती है। यार हम इंडियन ने तारों को बड़ा ही रोमांटिक दर्जा देकर रखा है, ये हम अपने वन साइडेड फीलिंग के बीच बेचारे तारों को क्यों घसीट। एक तरफ शाहरुख भाई गा रहे हैं चांद तारे तोड़ लाऊं, कोई और गा रहा है सितारों से तेरी मांग भर दूं, दूसरी तरफ सुखबी बाजी गा रहे हैं तारे गिन गिन जाते तेरी मैं कर जगा रहता ना। अब तारे गिन रहे हैं तो रात भर जागना ही पड़ेगा ना। शायद मेरे तारों में भी कुछ गलत हो सकता है। एक मिनट मैं ज्योतिष को व्हाट्सएप करता हूँ, तब तक आप अपना अगला सवाल सुन। सोने से पहले लहसुन खाने से मच्छर आपसे दूर रहते हैं, बताइए फेक या नॉट फेक। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो मैं दूर कर देता हूँ। सवाल आपके और मेरे लहसुन खाने के बारे में है, ये नहीं कि मॉस्किटो के लहसुन खाने से वो दूर हो जाते हैं। नहीं, बाद में इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं लोग कि आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं समझाया, इस बार क्लियरली समझा दे रहा हूँ। और अब समय है आंसर समझाने का, तो आइए जानते हैं सही जवाब क्या है। एंड द आंसर इज फेक। जी हाँ, ये कुछ लोगों में एक मान्यता है कि गार्लिक खाने से मॉस्किटो दूर रहते हैं, इसे आज तक किसी स्टडी ने प्रूव नहीं किया है। लहसुन में से एक सल्फर कंपाउंड जरूर निकलता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी पैरासिटिक होता है, लेकिन उससे मच्छर या मलेरिया पर क्या असर होता है ये प्रूव अभी तक नहीं किया गया। यार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी बातें लोग मान कैसे लेते हैं ये समझ में नहीं आता मुझे। लहसुन खाने से मच्छर दूर रहते हैं, गोबर लगाने से कोरोना दूर रहता है, और पता नहीं क्या क्या। अगर ये सच होता तो पूरा इंडिया रोज सोने के पहले लहसुन खा रहा होता, माँ बच्चों को गार्डन भेजने से पहले लहसुन का रस पिला रही होती, पिकनिक जाने के टाइम लोग ओडोमोस की जगह पर गार्लिक सॉस लेकर जा रहे होते, शादी के टाइम मांग में सिंदूर की जगह लहसुन की सूखी चटनी भर रहे हैं कि कहीं रिसेप्शन के टाइम पर मच्छर न काट ले। अगर ये सच होता है तो जैन लोगों को कितना बुरा लगता होगा, पूरी दुनिया में सिर्फ वही होते जिन्हें मलेरिया डेंगू सब हो रहा है। जब कोई गुड न्यूज टू गुड टू बी ट्रू लगे वो ज्यादातर फेक ही होती है। लेकिन आज का अगला सवाल फेक है या नहीं, पढ़कर आप खुद जवाब दीजिए। इंडियन फुटबॉल टीम को द भांगड़ा बॉयज के नाम से जाना जाता था, बताइए फेक या नॉट फेक। नहीं नहीं, दलेर मेहंदी और मिक्का पाजी इंडियन फुटबॉल टीम में कभी नहीं थे, ना ही गुरदास मान साहब कभी रेफरी बने थे। मुझे पता है कि इसका जवाब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो जरूर होगा, क्योंकि हमें कहां इंडियन फुटबॉल में इंटरेस्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माँ उसे बचपन में क्या गाली देकर बुलाती थी ये जरूर पता होगा सबको। कोई नहीं कोई नहीं,